प्याज है, ना काजू है, ना ही हल्दी है। ये कुछ ही इंग्रेडिएंट से बहुत आसानी से तैयार हो गया है, ना ही इसमें तली हुई प्याज है, बहुत ही आसानी से। चैनल केयर क्योर व्यूअर्स, आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इजी तरीके से बनने वाले चिकन की रेसिपी लाए हैं। इसमें ना ही हल्दी पड़ेगी, ना ही प्याज, ना ही धनिया, ना ही काजू, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही अच्छी डिश तैयार होगी, जिसे हम कहते हैं चिकन तशला या इजी मेथड से चिकन बनाना। सो व्यूअर्स, हमें क्या करना है, मैंने लिया है 700 ग्राम ये चिकन लिया है। इसको हमें क्या करना है, एक पैन में डाल, हमने 700 ग्राम चिकन लिया है, इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, देन हम इसमें लहसुन अदरक डालेंगे, ये हमने 3 टेबलस्पून लिया है, और ये हमारा ये है ब्लैक पेपर, ये है वाइट पेपर, ये हाफ हाफ टीस्पून डालेंगे भी, बाद में हम और डालेंगे। अब हमें ये क्या करना है, अब हम इसमें पानी नहीं डालेंगे और इसको हम ढककर बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकने के लिए 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब ये पूरी तरह से गल जाएगा फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए 15 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम चेक करेंगे, ये आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे आके इस पॉइंट पे आके हम ऑयल डालेंगे, कुकिंग ऑयल हमने हाफ टी स्पून पहले भी डाला था, मैं आपको बताना भूल गई थी, अब ये 1 टेबल स्पून डाला है। अब हम आपको ये दिखाएंगे कि ये गल गया कि नहीं, व्यूअर्स देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल गल गया है हमारा। अब हम यहाँ पे इस पॉइंट पे आके हम ये हाफ टी स्पून चाट का मसाला डाल देंगे। आप या इस पॉइंट पे पीली मिर्च भी डाल सकती हैं और स्किप भी कर सकती हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके पानी के फुल फ्लेम पे करके ये पानी को बिल्कुल ही गला ख़त्म करेंगे, जब तक कि भूनेंगे, जब तक कि बिल्कुल पानी हमारा ख़त्म ना हो जाए। व्यूअर्स, इसको वैसे अंगीठी पे भी भूना जाता है, उससे बहुत अच्छा बनता है, मगर हम आपको पैन में आसान तरीके से भूनना बता रहे हैं। और ये जब तक कि भूनेंगे, जब जिस तरह से हम कबाब सेकते हैं ना, हल्के से जलने के से निशान पड़ जाए, जब तक कि हम इसे अच्छे से भूनेंगे, बिल्कुल फुल कुक कर देंगे। देख सकते हैं ये हमने इसका पानी बिल्कुल ही जला लिया है, और ये देखिए पिंक पिंक से निशान आ गए हैं, जैसे हमारे सीढ़ी पे कढ़ाई में बनाते हैं ना, थोड़े से जला सा आता है, ये देखिए जला जला सा हल्का सा, ये देखिए निशान है, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब इस पॉइंट पे आके हमें क्या करना है, हल्का सा नमक और डालना है, क्योंकि हमारे चिकन में तो नमक ऐड था ही, अब हमें जो ग्रेवी में नमक चाहिए उसके लिए थोड़ा सा नमक डालेंगे, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर। अब हम ये हमने जो दही है, ये क्रीम दोनों तरह की और ये दही, तीनों को हमने जो 110 ग्राम लिया था वो तीनों को 15 सेकंड के लिए मिक्सर में चला लिया, हम इस तरह से डाल देंगे। पेपर डालेंगे हम इसमें, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक और डाल देंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बना लिया है 2 मिनट तक की, और बस अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे। अब ये हमारा डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए हमारा झटपट तशला चिकन तैयार है। आप कुछ ही इंग्रेडिएंट से, ना ही उसमें ना प्याज है, ना काजू है, ना ही हल्दी है, ये कुछ ही इंग्रेडिएंट से बहुत आसानी से तैयार हो गया है, ना ही इसमें तली हुई प्याज है, बहुत ही आसानी से तैयार हुआ है। तो व्यूअर्स, आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर शेयर करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, थम्स अप देना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।